मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास बक्तवांग गांव में रहने वाले दुनिया के सबसे बड़ी परिवार के मुखिया यानी कि जियोना चाना का निधन हो गया। 76 वर्षीय जियोना चाना के निधन की जानकारी मिजोरम के मुख्यमंत्री चोराम थंगा के ट्वीट के जरिए दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिजोरम का बक्तवांग गांव जियोना चाना के बड़े परिवार की वजह से पर्यटक के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। महंगाई के इस दौर में जहां 4-5 सदस्यों वाले परिवार का पालन पोषण करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, वहीं जियोना चाना 38 पत्नियों और 89 बच्चे और 14 बहुओं और 33 पोते पोतियों के साथ बक्तवांग गांव में एक 100 कमरे वाले बड़े घर में रहते थे। जियोना चाना पेशे से बड़ी थे, वहीं एक बड़े परिवार की महिला खेतीबाड़ी करती थी और घर चलाने में योगदान देते थे। चाना की सबसे बड़ी पत्नी घर से सभी सदस्यों के कार्यों को बंटवारा करने के साथ साथ कामकाज पर भी नजर रखती है। एक आम परिवार में जितना राशन 2 महीने चलता है, इस परिवार की भूख मिटाने के लिए हर दिन उतना राशन खर्च होता है। यहाँ एक दिन में 45 किलो से ज्यादा चावल और 30-40 मुर्गे यानी के 25 किलो दाल, दर्जनों अंडे और 60 किलो सब्जियों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इस परिवार में लगभग 20 किलो फल की भी हर रोज खपत होता है। दुनिया के सबसे बड़ी परिवार के सदस्य के नाम, उनके जन्मदिन और उनके अन्य क्रिया पालन पर नजर रखना कितना मुश्किल होता है, इस बारे में चाना सबसे बड़े पुत्र को कहते हैं। लोग अपने ढेरों दोस्तों के नाम भी तो याद रखते हैं। हम उसी तरह अपने भाई बहनों और अपने तथा उनके बच्चियों के नाम याद रखते हैं। जन्मदिन याद रखने में दिक्कत होती है, लेकिन किसी न किसी को याद रह ही जाती है। इलाके की सियासत में भी इस परिवार का खास दबदबा है। एक साथ एक ही परिवार में इतने सारे वोट होने की वजह से तमाम नेता और इलाके के राजनीतिक पार्टियां इस परिवार पर अच्छा खासा महत्व देती है, क्योंकि स्थानीय चुनाव में इस परिवार का झुकाव जिस पार्टी की तरफ होती है उसे ढेरों वोट मिलना पक्का है।